दोस्तों, कई बार हम अपने ज़िंदगी में आने वाले छोटे छोटे मौक़ों को गवा देते हैं, जिसके बाद हम बाद में पछतावा करते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे दो लोग बैठकर मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े ही जोश में थे और दोनों ही जल्दी से जल्दी कुछ मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरों ने नदी में अपना अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतज़ार करने लगे। दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने कांटों पर ध्यान लगाकर बैठ गए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी पहले आदमी के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस गई और वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए अपनी खुशी जाहिर की और अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस मछली को रख दिया और फिर से कांटा को नदी में फेंक दिया। और कुछ देर बाद उसके कांटों में छोटी छोटी मछलियाँ भी फंस गई और वह बहुत खुश हुआ। अब करीब घंटों बीत गए, लेकिन वहीं दूसरे आदमी के कांटे में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी। तो यह देखकर पहले मछुआरे ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, लेकिन वह दूसरे मछुआरे ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। कुछ ही देर बाद में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंसी। अब उसने उस मछली को थोड़ी देर तक देखा और फिर देखने के बाद उसे नदी में फेंक दिया। यह देखकर पहला मछुआरा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब देखते देखते उस दूसरे मछुआरे के कांटे में और भी मछलियाँ फंसी, कई तरह की बड़ी मछलियाँ फंसी, लेकिन वह फिर से उन्हें देखता और फिर नदी में फेंक देता। कोई भी बड़ी मछली फंसती तो उसे ध्यान से देखता और उसे फिर से नदी में फेंक देता। अब ये सब पहले मछुआरे से देखा नहीं गया तो उसने उससे पूछ ही डाला कि जब तुम्हारे कांटे में मछलियाँ फंस रही है तो तुम उनको नदी में क्यों फेंक रहे हो और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो उस दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वो सारी मछलियाँ बड़ी थी और मेरे पास कोई भी बड़ा बर्तन नहीं है उन्हें पकाने की, इसलिए मैं उन्हें नदी में फेंक रहा हूँ। मैं बस छोटी सी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ सके और मैं उसे आसानी से पका सकूँ। तो उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसे सलाह दी कि दोस्त, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम बड़ी मछली को काट कर भी पका सकते हो। तो दोस्तों, हम लोगों में से ज़्यादातर उस मछुआरे के जैसे होते हैं और हम बड़ा लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में अपने रास्ते में आए छोटे छोटे मौक़ों को गवा देते हैं। कि याद रखो, सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा।